हेलो बच्चों, चलिए दोस्तों, आज हमें इस सेशन में एक धोखेबाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। प्रीवियस सेशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात की थी, चलिए आज हमारी अधूरी कहानी को बढ़ाते हैं। सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो मैथ्स, आप तो लीला रचाने वाले हो। अरे सर, नाम, ये नाम किसका, मेरा लिखा है या आपका नाम है सर यहाँ पर? सर ये शकल किसकी है भाई, मेरा ही नाम। सर आप पहुंच गए दूसरी नगरी में, हमसे हमारा मैच छीनने के लिए आ गए हो सर जी। चलिए दोस्तों, रसायन लीला में मिलते हैं। काफी दिन बाद आज कलम उठाई थी, तो कभी फिर मौका मिलेगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। हर किसी का मैच पढ़ने का दिल कर ही जाता है। ये क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 4 है और मैच की माया है। तो आज हम हमारे फोर्थ लेक्चर में, क्वाड्रेटिक के फोर्थ लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वाड्रेटिक की, बड़ी बदमाश क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, धोखेबाज क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। और लीला रचाने वाले हमसे हमारी क्वाड्रेटिक छीनने आए थे। भाई क्वाड्रेटिक हम देंगे नहीं। दोस्तों कई बार क्वाड्रेटिक धोखा देने का प्रयास करती है, प्रयास जरूर करेगी, लेकिन हम आशिक हैं क्वाड्रेटिक के सच्चे, हम धोखा लेंगे थोड़ी क्वाड्रेटिक से। तो यार बात करेंगे इक्वेशंस दैट लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनकी शकल पे तो क्वाड्रेटिक लिखा होता है बट वो क्वाड्रेटिक होती नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती। इस बात से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो यार देखिए, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैं लिखूं आप बस उसे देखते जाएं, उसे ताड़ते जाएं। एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए जरा, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी प्लस। अब ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बड़ी धोखेबाज इक्वेशन है। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी a माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू वन। ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है, बात समझ में आ रही है। और ये बताया गया है कि ए बी सी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। Then the number of values of x satisfying the given equation, ध्यान से सुनना क्या है सवाल। The given equation is r, ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, वन वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इसको, थ्री वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इसको, या फिर मोर देन थ्री वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। सवाल ध्यान से देखिए और आप भी सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जो इक्वेशन आपके सामने, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को एक्स की कितनी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, कितनी अलग अलग वैल्यूज एक्स की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी या फिर दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी या फिर तीन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी या फिर तीन से ज्यादा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेशन को पॉज करें और सोचें कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आईआईटी में आया था एक बार। तो यार देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसकी शकल पे जाते हैं पहले। यहां देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा हुआ है,
तो यार इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ए प्लस बी एक्स आएगा प्लस ए बी आएगा, ठीक है। फिर नीचे डिनोमिनेटर में तो कॉन्स्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसी प्रकार से ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसी प्रकार से ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यार अगर तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आप जोड़ दोगे, तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को आप जोड़ दोगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो आएगी। कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर आप एक दूसरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जोड़ भी दोगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो आएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो आएगी। आप दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जोड़ लीजिए, तीन जोड़ लीजिए, चार जोड़ लीजिए, पांच जोड़ लीजिए, आप कितनी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपस में जोड़िए, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नेट रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ना लेफ्ट साइड में, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये इक्वल टू वन लिखा है। इस वन को अगर मैं लेफ्ट में लेकर के जाऊंगा ना, इसको मैं लेफ्ट में लेकर के जाऊंगा तो ये जो आपके सामने ये जो बवाल जो लिखा हुआ है, ये आप बोल सकते हैं कि यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें डिग्री दो नजर आ रही है, डिग्री दो नजर आ रही है, आप बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने अपने ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो है ना, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन तो आपकी ये थी। अब हमने कुछ और चीजें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि यार ए बी सी जो है ना, तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अब मेरा मूड कर गया कि यार इस इक्वेशन में अगर एक्स इक्वल टू ए डालें तो देखते हैं कि क्या एक्स इक्वल टू ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। मैंने यार x इक्वल टू ए डाल दिया, यहां पे देखो x इक्वल टू ए डालिए, 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 x इक्वल टू ए डालिए। तो देखिए x इक्वल टू ए डाला ना, तो a माइनस ए, a माइनस ए ये जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो, ठीक है। x इक्वल टू ए डाला यहां पे, तो a माइनस ए जीरो हो गया, तो ये जीरो होने से पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। और यार यहां पे देखिए जब मैंने x इक्वल टू ए डाला ना, तो a माइनस बी ऊपर, a माइनस बी नीचे कैंसिल हो गया, a माइनस सी ऊपर, a माइनस सी नीचे कैंसिल होकर के ये 1 हो गया, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। तो यार यहां से एक बात साबित हो जाती है कि x इक्वल टू ए डालने पे ये x इक्वल टू ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, x इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाई करता है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने x इक्वल टू बी डाला, अगर आप x इक्वल टू बी डालोगे, ध्यान से देखिए x इक्वल टू बी डालोगे तो अब क्या होगा, b माइनस बी ये जीरो हो गया, b माइनस बी ये जीरो हो गया, और यहां पे देखिए b माइनस सी यहां पे b डाला है, b माइनस सी ये क्या हो गया, 1, 1 बराबर 1 आ गया। तो यार बड़ी सिंपल सी बात यहां से भी समझ में आ गई हमको कि x इक्वल टू b भी इसको सेटिस्फाई करता है, और यार इसमें x इक्वल टू c भी डाल के देखोगे ना तो x इक्वल टू c भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x इक्वल टू c सेटिस्फाइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज x इक्वल टू ए बी एंड सी आर सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x इक्वल टू सी, ये जो वैल्यूज हैं ये इसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये तो बवाल हो गया, क्वाड्रेटिक को तो भैया मात्र 2x की वैल्यूज मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकती हैं, ये तीन कैसे सेटिस्फाई कर रही हैं एबीसी, और क्वेश्चन में गिवन भी है कि एबीसी जो है डिस्टिंक्ट है, कोई दो बराबर नहीं है। तो यार तीन अलग अलग वैल्यूज, भाई आपने कोई क्वाड्रेटिक आज तक ऐसी देखी है क्या जिसमें तीन अलग अलग वैल्यूज डाल दो और वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, नहीं हो सकता भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसको सेटिस्फाई करने वाली मैक्सिमम दो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और यार यहां पे तीन वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। आप सोचोगे कुछ तो लोचा है, तीन वैल्यूज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती बट यहां कर रही हैं। तो इसका कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही है ये क्वाड्रेटिक नहीं, धोखा है।
ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्वाड्रेटिक की शक्ल में कुछ और लिखा हुआ है, धोखा है ये। तो यहां पे ये बात समझनी है, hence this is not a quadratic, hence this is not a quadratic, this is a धोखा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे ये बात समझनी है, यहां पे इन दोनों बातों से ये बात समझनी है, hence this is not a quadratic equation, this is not a quadratic equation, this is a धोखा, this is a धोखा। ये एक धोखा है। कैसा धोखा है? फिर ये क्या है दोस्तों? कई बार हमको ऐसी शकल बना करके दे दी जाती है, एक विकराल सी, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जानते हो क्या मिलता है हमको? जब आप इसको, इसकी सारी ब्रैकेट्स को खोलोगे, ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे, सारी ब्रैकेट्स को ओपन करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, मैंने सिंप्लीफाई करके देख रखी है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पता आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है एक नायाब चीज, आपको मिलता है 0 × x² + 0 × x + 0 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 को इधर ले आओगे, राइट में 0 ले आओगे, जब इस सारी चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 मिलेगा। आप यहां से x का कोएफिशिएंट निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, इसकी कांस्टेंट टर्म को देखोगे वो भी 0 आ जाएगी। तो यार ये जो क्वाड्रेटिक की शक्ल में ये जो भेस बदल करके जो लिखी हुई थी वो क्वाड्रेटिक नहीं थी, जस्ट एक क्वाड्रेटिक की शक्ल जैसी इक्वेशन थी, जैसे ये। आप इसको क्वाड्रेटिक बोलोगे क्या यार? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 हो जाए तो यार वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, एक्स का कोफिशियंट भी 0 हो गया, लीनियर भी नहीं है, ये कुछ और ही बवाल बवंडर लिखा हुआ है। तो यार कुल मिलाकर के अपन ये बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली चीज को बस ऊटपटांग तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी। ऐसे इक्वेशन वो होती हैं जो 2 से ज्यादा x को सेटिस्फाई करती, 2 से ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहां पे अगर कोई क्वाड्रेटिक दिखने वाली चीज आपको ऐसी मिले जो 2 से ज्यादा डिफरेंट वैल्यू, जो 2 से ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हो, तो आप समझ लेना वो चीज ये लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये बोलेंगे यार कि ये जो गिवन क्वांटिटी है ना, इसको सोल्व करने पे ये आता है, और इसमें आप देखिए x की वैल्यू 2 से ज्यादा 3 सेटिस्फाई तो कर ही रही हैं, ए बी सी तो सेटिस्फाई कर ही रही हैं, उसके अलावा भी आप 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3 कुछ भी x की जगह पे डालोगे ना, सब कुछ ही सेटिस्फाई करेगी। तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी है। ये क्या है? ये आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक जैसी दिखने वाली चीज, दो से ज्यादा एक्स की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हुई पाई जाए, आप समझ लेना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो ये वाली इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। और आइडेंटिटी की खास बात होती है वो इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। ये एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी? इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3। ठीक है, तो यार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है 0 × x² + 0 × x + 0 = 0 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। एंड इफ अ क्वाड्रेटिक लुकिंग एक्सप्रेशन, then we can say that it is not a quadratic equation, it is an identity. It is not a quadratic equation, but it is an identity. ये एक identity होगी which will satisfy infinite values of x.
विच विल सेटिस्फाई इन फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स. किस कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी? इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगी. आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, लेफ्ट भी जीरो रहेगा, राइट भी जीरो रहेगा, मतलब लेफ्ट और राइट बराबर रहेगा, मतलब एक्स की बहुत सारी वैल्यूज, इनफैक्ट सारी वैल्यूज जो भी हमारे नंबर सिस्टम में है डाली जा सकती हैं इसके अंदर, सेटिस्फाई कर जाएंगी. बात समझ में आ रही है आपको? तो यार एक आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनती है, ये बात हमको समझनी है. ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और ये एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए, जेई का पुराना सवाल है. ठीक है जी, तो पूछा था कि एक्स की कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी. तो यार एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, मोर देन थ्री. ठीक है ना, इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी. क्यों करेंगी? क्योंकि हमने ऐसा पकड़ लिया, हमने इसकी चोरी पकड़ ली कि इसको दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं. यार अगर दो से ज्यादा वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो यार वो क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकती, वो 100% एक आइडेंटिटी ही होगी. क्वाड्रेटिक लुकिंग में ये आइडेंटिटी ही वो चीज़ है जो दो से ज्यादा एक्स की वैल्यूज को समेट लेती है, अपने अंदर सेटिस्फाई करवा लेती है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो यार आई होप ये आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. और यार एक और मस्त चीज़ आपको बताता हूँ मैं, एक और मस्त चीज़ बताता हूँ आपको मैं. देखिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया आपके सामने. अब देखिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया आपके सामने, ध्यान से देखें इस बात को आप. मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिख दी. मैंने कहा कि आप रूट्स बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. Find the roots of the quadratic equation. इस quadratic equation के आप root बताइए. ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि a, b और c में कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये दिया हुआ है. ठीक है ना, आप इसके roots बताइए. ठीक है, तो यार सबसे पहले तो इस session को pause करें, pause करके ना आप इसके रूट्स निकालें, आप इसके रूट्स निकालें और कमेंट करके रूट्स बताएं. और आप अपना तरीका जो भी आया है फिर सॉल्यूशन में मेरे तरीके से कंपेयर करें और सोचें कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर आपको लगा वो भी कमेंट करके मुझे बताएं. ठीक है, तो यार देखिए इसके रूट्स बताने हैं अपने को. ठीक है, मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ आपको, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है. लोग क्या करते हैं, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू वो फॉर्मूला जानते हैं ना अपन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, वो लगा देते हैं और इसके रूट निकालने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व है. क्या इन्वॉल्व है? एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो जो कोफिशियंट्स हैं ना इस क्वाड्रेटिक के, जो कोफिशियंट्स हैं वो बड़े शानदार कोफिशियंट्स हैं. शानदार कोफिशियंट्स क्या हैं? साइक्लिक कोफिशियंट्स हैं. कैसे कोफिशियंट्स हैं? साइक्लिक कोफिशियंट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. यहाँ पे नोट करना इस बात को, नोटिस दैट द कोफिशियंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन are in cyclic order. Cyclic order में इसके coefficients हैं. तो यार जिस quadratic के coefficients भी cyclic order के होना, उसके roots directly बता सकते हो आप, directly roots बता सकते हो उसके आप. अब रूट तो मैं बता दूंगा, आप सोच रहे हो कि साइक्लिक ऑर्डर के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऐसा सोच रहे हो ना तुम लोग. मेरे को मालूम चल जाता है तुम क्या सोच रहे हो. तो बता देता हूँ यार, साइक्लिक ऑर्डर के कोएफिशिएंट क्या होते हैं बताता हूँ आपको. देखो आप यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी. तो आप देखो पहला कोएफिशिएंट क्या है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी. दूसरा क्या है, देखो सर्कल में बन रहा है बी माइनस सी, बी माइनस साइकिल बन रही कि नहीं बन रही, सी माइनस ए तीसरा कोएफिशिएंट है. तो यार एक सर्कल में ना यू कोएफिशिएंट यू वैल्यूज अरेंज करके और एक साइकिल सी बन जाए ना टर्म्स की, तो बोलते हैं साइक्लिक टर्म्स हैं. तो यहाँ पे कोफिशियंट्स जो हैं वो साइक्लिक हैं. कैसे हैं? देखो एक ए माइनस बी है, फिर बी माइनस सी है, फिर सी माइनस ए है, तो यूं एक साइकिल सी बन गई. तो इसको बोलते हैं साइक्लिक कोफिशियंट्स हो गए हमारे. ठीक है जी, तो यार अगर साइक्लिक कोफिशियंट मिल जाए ना, अगर साइक्लिक कोफिशियंट कहीं पे भी दिख जाए आपको, किसी भी क्वाड्रेटिक में साइक्लिक कोफिशियंट दिख जाए, तो आप भन्नाट तरीके से रूट्स बोल दीजिए रूट्स विल बी वन. एक रूट तो वन होगा हमेशा.
अगर किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में है ना, तो एक रूट तो उसका वन होगा, और जो दूसरा रूट है ना, दूसरा रूट होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। सी कितना है इसका? ये सी होता है, ये ए होता है, सी बाय ए। तो दूसरा रूट होगा इसका सी बाय ए, है ना। यहां पे सी कितना है? सी माइनस ए, और ए ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए माइनस बी। तो खटाक से इसके रूट निकाल दी मैंने, एक निकाला वन एंड दूसरा निकाला सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। अब आप सोच रहे हो यार ये कैसे निकाल दिए, अभी बता देता हूं। आप यार इसके अंदर पुट करके देखो एक्स इक्वल टू वन। आप इसके अंदर ना साइक्लिक कोफिशिएंट वाले की बड़ी खास बात होती है, आप इसके अंदर x इक्वल टू वन पुट करके देखो। जब आप x इक्वल टू वन पुट करके देखोगे ना, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखिए यार ये सब जो है ना कैंसल हो गया और जीरो के बराबर आ गया। क्या आ गया? जीरो के बराबर, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू वन इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि x इक्वल टू वन इज सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यार एक रूट तो वन हो गया, ये बात एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब यार देखिए दूसरा रूट जो है ना, दूसरा रूट मान लेते हैं अल्फा है। लेट अल्फा बी द अदर रूट। दूसरा रूट मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है ना। तो यार एक रूट तो वन है, ठीक है ना। दूसरा रूट अल्फा मान लिया आपने, एक रूट वन मिल गया आपने को, दूसरा अल्फा मान लिया। तो यार वन और अल्फा को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। यार देखो कितनी मस्त चीज मिल गई आपको। दूसरा रूट चाहिए था ना, दूसरा रूट बोले तो आपको अल्फा चाहिए था ना, आपको अल्फा चाहिए था ना। अल्फा मिल तो गया यार यहां से, वन इंटू अल्फा कितना होता है? अल्फा ही तो होता है। तो अल्फा कितना मिल गया? सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, मतलब दूसरा रूट आपको मिल चुका है सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार ये बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होना, यार ये बात तो मैं लिखूंगा पक्का, ये बात तो पक्का लिखूंगा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में हो, भन्नाट तरीके से यार उसके रूट्स बता दो। एक रूट तो वन होगा और दूसरा रूट क्या होगा? सी बाय ए होगा। तो यहां पे लिख देता हूं यार मैं, इफ द रूट्स, रूट्स तो बाद में बताएंगे यार, कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर, देन इट्स रूट्स विल बी वन एंड सी बाय ए। रूट्स क्या होंगे? एक रूट तो वन होगा और दूसरा जो रूट होगा वो होगा सी बाय ए। बात समझ में आ गई यार आपको, ठीक है। तो यार देखो दो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए अभी तक के इस लेक्चर में। एक तो सीख लिया हमको कि धोखेबाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दूसरा हमने सीख लिया कि अगर क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स है ना वो साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो यार एक रूट वन होता है क्वाड्रेटिक का और दूसरा रूट बन जाता है सी बाय ए, ठीक है। तो चलो यार मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग वन इक्वेशन इनटू अदर। ये वन इक्वेशन में कैसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? यार ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, इन जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल इक्वेशन की, कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मैं बताऊंगा ही, बट यार क्यों करेंगे ट्रांसफॉर्म? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कई बार अपने डिजायर्ड रूट्स वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन जब निकालनी होती है ना, मतलब हमें ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी हो जिसके रूट्स यार हम चाहेंगे ये वाले रूट्स हो, तो उसमें गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके हम डिजायर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। आप सोच रहे होगे यार मैं क्या बातें कर रहा हूं हवा में, अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इफ अल्फा कोमा बीटा जो है ना, अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, मैं कह रहा हूं अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अल्फा कोमा बीटा इसके रूट्स हैं, और मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं
मैं ये चाहता हूं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं चाहता हूं ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ हूज रूट्स आर 1/α, 1/β। तो यार देखो, ये तो गिवन वाली चीज होगी, ठीक है ना, ये बातें तो गिवन है। यहां पे आपको बता दूं कि ये गिवन है, आपको ये गिवन है, ठीक है ना, और ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और मुझको ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट 1/α और 1/β हो यार, तो बड़ा मस्त होता है। क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो, इस एक्स स्क्वायर को पकड़ो, पकड़ के यहां से उठाओ और सी के पीछे लगा दो। आप इस एक्स स्क्वायर को यहां से पकड़ के ना, हाँ, और सी के पीछे लगा दो, तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ठीक है ना। मतलब यूं भी लिख सकते हैं इसको, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो यार ये जो इक्वेशन आई है ना, ये नई इक्वेशन जो आई है, ये जो एक्स स्क्वायर, इसको उठा करके मैंने सी के पीछे लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है ना यार, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये वो इक्वेशन है, इसके रूट्स आप चेक करके देखोगे तो 1/α और 1/β मिलेंगे। आप सोच रहे होगे यार ये कैसे कर दिया आपने, इसका मुंह उठा करके पूंछ की तरफ रख दिया। तो यार देखो, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो क्यों इसके रूट 1/α 1/β होंगे। ये बात समझते हैं, आइए देखो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। देखिए बात को ध्यान से समझना, ये ऐसा पॉइंट है, एक बारी में ही समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाता है, फिर कभी इसमें परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखना हो ना तो पहली बार में ही ना पूरी कोशिश कर देनी चाहिए सीखने के लिए, और जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए ना यार, तो उसका आनंद अलग होता है, और फिर उसको यूटिलाइज करने में मज़ा बहुत आता है ना, ब्रेन भी एकदम एक्टिव रहता है आपका। तो यार कोई भी चीज़ जो है ना, पहली दफ़े ही हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यार अगर इसको एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे ना, तो देखो ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आएगा। और इसको देखो यार, मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू 1/x प्लस सी इंटू 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कैसे लिख दिया, ए प्लस बी इंटू 1/x प्लस सी इंटू 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से यार मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, अगर आप सहमत हो तो मुझे बता देना यार। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके जो रूट है ना, वो अल्फा और बीटा थे। क्या थे, अल्फा और बीटा थे। मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यार देखो, ये चीज एक ही तो है, मैंने सकल ही तो बदली है, इसको भी x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, x अगर अल्फा है, x अगर बीटा है, तो 1/x क्या होगा। x अगर अल्फा है तो 1/x क्या होगा। यहां से ये बात बोली जा सकती है कि जो 1/x है, 1/α होगा, और 1/x क्या होगा, 1/β होगा, ठीक है ना। 1/x क्या होगा, या तो 1/α होगा या 1/β होगा। तो यार x अल्फा बीटा सेटिस्फाई करते हैं यूं बोल लीजिए, या 1/x 1/α 1/β सेटिस्फाई करते हैं यूं बोल लीजिए, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं यार, अगर मैं इसमें 1/x की जगह पे अगर मैं y पुट कर दूं ना, तो ये आ जाएगी a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यार देखिए, बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी समझने के लिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर समझें। मैंने क्या कर दिया यार, 1/x की जगह y पुट कर दिया, तो जब y पुट करेंगे तो यार यहाँ बी वाई हो गया, यहाँ y पुट करेंगे तो यार ये सी वाई स्क्वायर हो गया, और a यों का यों है ही, ठीक है। और 1/x जो है y है, 1/x यार देखिए y है, आप इसको देखो यार, 1/x क्या है मेरा, 1/x मेरा y है। तो यार y की वैल्यू जो है ना 1/α और 1/β हो गई। मैं कह रहा हूं कि जो y की वैल्यू 1/α और 1/β हो गई है यार, y की वैल्यू 1/α और 1/β है। इसका मतलब यहां से ये बोल सकते हो
कि y की वैल्यू 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो यार ये देखिए, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x में तो नहीं है मगर y में है, x में तो नहीं है मगर y में है। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये बोल रहे हो कि y की जगह पे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा डालने पे इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। और यार एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स देखोगे ना तो इसके रूट्स कितने हैं, इसके रूट्स हैं 1 और 4। एक्स इक्वल टू 1 डालोगे इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू 4 डालोगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस एक्स की जगह पे अगर मैं टी पुट कर दूं तो मुझे बस तुम इतना सा सोच के बता दो कि क्या इसके रूट भी 1 और 4 ही रहेंगे। अरे बिल्कुल रहेंगे यार, टी की जगह 1 डालो ना इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, टी की जगह 4 डालो ना इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इस एक्स की जगह पे वाई डाल दूं तो क्या एक्स की जगह पे वाई डालने से, टी डालने से क्या इसके रूट बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये जो एक्स है, ये जो टी है, ये जो वाई है, ये तो डमी वेरिएबल्स हैं। कैसे वेरिएबल्स हैं? ये हैं डमी वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स डमी वेरिएबल हैं। वो डमी होता ना दिखाने के लिए होता है, बस काम का कुछ नहीं होता। तो यार ये तो दिखाने के लिए हैं बस, रूट तो वही आना है 1 और 4। रूट के ऊपर इस डमी वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, आप x रख रहे हो, t रख रहे हो, w रख रहे हो, p रख रहे हो। तो यार मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि यार यहां पे अगर ये जो y लिखा हुआ है ना, इस y की जगह अगर मैं x भी लिख दूं जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये बात आपको समझनी है कि यार यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे x भी रख दूँ तो यार ये तो डमी वेरिएबल है। इसके रूट अगर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हैं तो इसके रूट भी क्या होंगे हमारे, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होंगे। हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए थी, हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हों। मिल चुकी है हमको दोस्तों। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरी इक्वेशन में और हमारे रूट्स ट्रांसफॉर्म हो गए अल्फा बीटा से 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा में। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब यार देखिए एक और छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास यार एक क्वाड्रेटिक है, मैं कह रहा हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यार मेरा क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये मेरा क्वेश्चन है यार, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है ना अल्फा और बीटा हैं, तो मुझको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। तो यार बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये यार अपने को गिवन है, ठीक है ना, ये कहानी तो अब की बार अपने को गिवन है, ठीक है, ये अपने को गिवन है और ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यार ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके जो रूट्स हैं ये हैं अल्फा और बीटा। क्या रूट्स हैं? अल्फा और बीटा, ठीक है जी। तो मुझे बस थोड़ा सा एक बात बताना जरा, अल्फा बीटा का मतलब है कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, करेक्ट है जी। तो यार मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैं x की जगह पे x बाय 2 रख दूं, ये अपने को मेंटली सोचना पड़ेगा यार, अगर मैं x की जगह पे x बाय 2 रख दूं इस क्वाड्रेटिक में,
इस क्वाड्रेटिक में अगर मैं एक्स की जगह पे एक्स बाय टू रख दूं, अब इसको कौन सा एक्स सेटिस्फाई करेगा, बस कोई मुझको ये बता दे। अगर मैं इसमें x की जगह x by 2 रख दूं, अब इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? यार अब क्लियरली ये बात बोली जा सकती है कि अब इसको 2 अल्फा और 2 बीटा सेटिस्फाई करेंगे। कौन सेटिस्फाई करेगा? 2 अल्फा और 2 बीटा सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, जब आप x इक्वल टू अल्फा यहां पुट करते हो तो ये गिवन है कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू 0 आएगी। इसमें अगर यार आप 2 अल्फा जब पुट करते हो ना, तो a 2 अल्फा बाय 2 अल्फा हो जाएगा यार, 2 अल्फा बाय 2 अल्फा हो जाएगा यार। तो यहां पे देखिए, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यार देखिए, ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगी ना यार, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 आ रहा है बिल्कुल एकदम। तो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसमें 2 अल्फा 2 बीटा डालने पे वही आ रहा है जो इसमें अल्फा बीटा डालने पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद यार मैंने एक छोटी सी हरकत और करी। देखिए, यहां से की गई ये हरकत है ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे मैंने इस क्वाड्रेटिक को एक दूसरी क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो रूट्स भी दूसरे बन गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। ये बात समझनी है अपने को। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बुद्धि लगाइए, बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए यार, यहां से चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे कहां चलोगे भाई? जहां तुम ले जाओगे वही चलेंगे हैं। चलो देखिए, इसको पहले लिख दिया ax स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं यार, पहले एक बार सिंपलीफाई करते हैं, मजा आएगा। और ax स्क्वायर बाय 4 प्लस bx बाय 2 प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। 4 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो अपने को मिला ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। और इसका रूट x इक्वल टू, एक है 2 अल्फा और दूसरा है x इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, अब मैंने एक हरकत क्या करी, मैंने x की जगह पे x माइनस 1 रख दिया। ध्यान से देखो, हैं बड़ा लफड़ेबाज काम करता हूं मैं। x की जगह पे मैंने x माइनस 1 रख दिया। यहां पे ये जो x है ना, इसकी जगह पे मैंने x माइनस 1 रख दिया। ये वाला जो x है ना यार, इसकी जगह पे मैंने x माइनस 1 रख दिया। ठीक है ना, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? x माइनस 1। तो यार x की जगह पे जब x माइनस 1 रख दिया मैंने, तो यार मैंने तो क्वाड्रेटिक ही बदल दी। मैंने बदल दी भाई, मैं कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। मैंने क्वाड्रेटिक बदल दी तो रूट्स भी बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। यहां पे देखिए, मैंने x की जगह x माइनस 1 रख दिया तो क्वाड्रेटिक बदल गई, बिल्कुल बदल गई। तो रूट्स भी बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। तो वो बदले हुए रूट्स क्या होंगे, ये जरा सोचिए। वो बदले हुए रूट्स क्या होंगे? कहीं वो बदले हुए रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 तो नहीं है? ये बस बात सोच के मुझे बता दीजिए। तुम बोलोगे वही है। क्यों है? क्योंकि यार देखो, जब आप x की वैल्यू 2 अल्फा यहां डालते हो ना, तो यहां 2 अल्फा का होल स्क्वायर और यहां 2 अल्फा होता है, और वो इसको सेटिस्फाई भी करते हैं। और अगर आप यहां पे x की जगह पे ना यार, आप जब x की जगह पे यहां 2 अल्फा प्लस 1 जब पुट करोगे ना, तो 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके वही 2 अल्फा आ जाएगा जो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। और यहां पे 2 अल्फा प्लस 1 डालोगे तो माइनस 1 होकर के वही 2 अल्फा आ जाएगा यहां पे जो यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यार आप बोलोगे कि ये तो बड़ा शानदार काम किया है आपने, एक तीर से दो निशाने आपने क्या कर दिया, यहां पे x भी बदल दिया और करस्पोंडिंगली रूट भी बदल दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x में माइनस 1 किया तो रूट में प्लस 1 हो गया, x में डिवाइड बाय 2 किया तो रूट में मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये बातें समझनी पड़ेंगी यार इस सवाल से आपको। x में क्या किया मैंने, यहां पे डिवाइड बाय 2 किया, रूट में मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। x में माइनस 1 किया, रूट में ऑटोमेटिकली प्लस 1 हो गया, क्योंकि एक जगह माइनस 1 एक जगह प्लस 1 करके वो जो फाइनल इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है, और जो ओरिजिनल जो कंडीशन होती है अल्फा और बीटा में, वही यहीं से भी जनरेट हो जाती है। अरे बात समझ में आ रही क्या यार? सारी बातें एक बार में समझ में नहीं आती यार। सारी बातें अगर एक बार में समझ में आ जाए ना, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए यार। और जिंदगी आसान है भी। एक बार में समझ में नहीं आए तो यार एक बार और ट्राई करो ना समझने की, आ जाएगी ना समझ में, है ना? दिमाग चलाओ ना, चलेगा ना यार तो मज़ा बहुत आएगा। तो यार देखिए, x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अपने को क्या चाहिए थी? ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए थी जिसके रूट
टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन है, आपके सामने क्वाड्रेटिक आ चुकी है, इसके रूट टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन है, यों का यों भी आप छोड़ सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यार इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपके लिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू बी एक्स माइनस टू बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो, यहां से देखेंगे आप तो ए एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट कितना हो गया माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस टू बी माइनस टू ए, ये हो गया एक्स का कोफिशियंट, ठीक है। आगे हो गया प्लस ए माइनस टू बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं, जिसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन, ठीक है। इसके रूट्स हैं टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन, आप समझ रहे हो ना कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं एक क्वाड्रेटिक को दूसरी क्वाड्रेटिक में, और उसके करस्पोंडिंगली रूट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आई होप ये सारी कला आपने सीख ली होगी, और मैंने सिखाने की कोशिश तो की ही है आपको, ठीक है। बात आई होप समझ में आ जाए, और बाई चांस समझ में ना आए बार 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 मेरी बातों को सुने, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यार मूव करते हैं आगे, और मेरा मूड कर रहा है कि मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दूँ, ठीक है। तो होमवर्क में क्वेश्चन क्या है, अच्छा सवाल है, आपको बड़ा मजा आएगा यार। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली कहानी है, एक क्वाड्रेटिक को दूसरी क्वाड्रेटिक में हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली जो रूट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्या ये आपको समझ में आई है क्या? अगर आई है तो यार भन्नाटली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर भी कमेंट करके बताएं मुझको, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा नहीं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालो हुज रूट्स आर, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन एंड गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट हों, अगर अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट हों, तो यार ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस वन, गामा प्लस वन अपॉन गामा माइनस वन हो। आपको एक बात बता दूं, ये जो हरकतें मैंने क्वाड्रेटिक के साथ की है ना, इसी प्रकार की हरकतें क्यूबिक के साथ, हायर डिग्री की इक्वेशंस के साथ है, इनफैक्ट कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के साथ की जा सकती हैं। आप इस प्रकार के एक्स में यहाँ पे चेंजेस करोगे तो रूट्स में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। यही है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रही कि नहीं? क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि रूट्स में हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। बात समझ में आई? तो यार ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है जी ये। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इसको, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है ये, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो सबको ही अटेम्प्ट करना चाहिए, सब लोगों को। इस पे 15-10 मिनट जितना भी टाइम आप लगा सको मैक्सिमम वो लगाओ, पूरा फील करके देखो इस सवाल को, आपको मजा आएगा यार, क्वाड्रेटिक से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यार, अभी तक की इस कहानी में हमने सीख लिए हैं, तीन कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं आज, ठीक है ना। एक तो सीखा हमने कि धोखेबाज क्वाड्रेटिक लुकिंग इक्वेशंस कैसी होती हैं, क्या होती हैं, है ना, क्यों दी होती हैं। दूसरा हमने सीखा वो क्वाड्रेटिक, उन क्वाड्रेटिक के बारे में जिनके कोफिशियंट साइक्लिक ऑर्डर में हों। और तीसरा हमने सीखा कि यार एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है जी। तो यार देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या सीखेंगे हम लोग, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लो, आप कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लो,
उसके रूट्स में और कोफिशियंट्स में क्या रिलेशन होता है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लीजिए, उसके रूट्स में और कोफिशियंट्स में क्या रिलेशन होता है ये जानेंगे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। आप बोलेंगे ये तो हम जानते ही हैं, रूट्स में और कोफिशियंट्स में रिलेशन ये मैं बता भी चुका हूं आपको, लेकिन वो मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था। क्यूबिक में क्या होगा, बायक्वाड्रेटिक में क्या होगा, इन जनरल कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लें तो उसके रूट्स और उसके कोफिशियंट्स में क्या रिश्ता होता है ये बात तो मैंने अभी तक नहीं बताई। वो सारी बातें थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताने वाला हूं। जो अभी तक के सफर में आपको सिखाया गया है वो सिखाया गया है कि यार अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें अपन, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें यार, ए जीरो नहीं होता क्वाड्रेटिक का, ये बात मैं बार बार तुमको बता रहा हूं, बताता रहूंगा, नोटिस में रहनी चाहिए, ठीक है। अगर यार इसके रूट्स अल्फा और बीटा हों, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हों तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहती है कि रूट्स और कोफिशियंट्स के बीच का रिश्ता आपको मालूम होना चाहिए, और वो रिश्ता होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मालूम है और उनकी वैल्यूज मालूम है तो इक्वेशन मालूम है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा इंटू बीटा। हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कहानी अपने को एकदम क्लियरली मालूम है। बात अगर मैं करूं क्यूबिक इक्वेशन की तब क्या होगा दोस्तों, ये समझना है। अगर मैं बात करूं क्यूबिक इक्वेशन की, देखिए यार एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दी है मैंने, आपका दिल कह उठेगा कि ए तो यहां पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यार ए ही जीरो हो गया तो ये टर्म तो हट जाएगी और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्यूबिक इसको रहना है तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यार क्वाड्रेटिक में जिस प्रकार दो रूट्स होते हैं मेरे दोस्तों, क्यूबिक में तीन रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, तीन रूट्स होते हैं। और यार इनके जो रूट्स हैं ना वो अगर मैं ले लूँ अल्फा बीटा और गामा, क्या ले लूँ अल्फा बीटा और गामा, यहाँ सवाल ये उठता है कि रिलेशन बताओ अल्फा बीटा गामा वर्सेस कोफिशियंट्स बोले तो ए बी सी डी में। हमको अल्फा बीटा गामा और कोफिशियंट्स ए बी सी डी में रिलेशन बतानी है, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसके अंदर अपने को यही करना है, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। कुछ वक्त के बाद डिग्री चार की पॉलिनोमियल इक्वेशन भी आएंगी। कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों ना हो, उसके रूट्स में और उसके कोफिशियंट्स में क्या रिश्ता नाता है ये बात अगर आपको बतानी है तो आपको बतानी आनी चाहिए, ठीक है। और ये पढ़ेंगे अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कि कोफिशियंट्स और रूट्स का क्या रिश्ता है। तो यार यहाँ पे समझते हैं, क्यूबिक में समझते हैं, हम क्यूबिक में समझ लेंगे तो उसके बाद हायर डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशियंट्स में अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है कि नहीं है, आई होप ठीक होगा, समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा इसका रूट है ना, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा मस्ट बी द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के फैक्टर्स होने चाहिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर फैक्टर मालूम चल जाए ना आपको, किसी भी एक्सप्रेशन के आपको फैक्टर मालूम चल जाए ना, तो आप इस एक्सप्रेशन को इसकी फैक्टर की टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। ये और ये बराबर नहीं है, इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बराबर होंगे। डिग्री तीन की एक्सप्रेशन के, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के तीन लीनियर फैक्टर होते हैं और यहाँ कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि x x x स्क्वायर इंटू x x क्यूब इंटू a, a x क्यूब राइट में और a x क्यूब लेफ्ट में बराबर कर दिया, अब सारे बराबर हो जाएंगे टर्म्स, ठीक है। तो देखिए
इसको लिख दिया इसके फैक्टर के टर्म्स में, वो आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को कॉपी कर लिया, ठीक है ना, और जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स लिखी हैं इनको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो यार जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ना भाई, तुम्हारा सीधी ओपन करके लिख दे रहा है, तुम आराम आराम से ओपन कर लेना। तो जैसे ही ओपन करोगे ना यार, तो आपको ये कुछ कहानी नजर आएगी। इनको ओपन कर लेना, बड़ा मजा आएगा आपको ओपन करके। भाई ने तुम्हारे सीधा कर दिया ओपन, ठीक है ना, सीधा ओपन करके आप देखोगे तो आपको देखोगे तो कुछ ये मिलेगा, ठीक है। अरे बात समझ में आई क्या भाई? हाँ, स्पेस चाहिए था ना अपने को, ठीक है। इस इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स। जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे ना, तो लेफ्ट साइड में जो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड के x क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। तो वो a और a बराबर हो गया, ठीक है। तो यार ये तो बराबर होते ही हैं, क्या ही मतलब कहना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और राइट में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होंगे। माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होंगे। x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में और x का कोफिशिएंट राइट साइड में बराबर होंगे। वो कितना है, a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वो कितना है, a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म जो लेफ्ट में है d, और जो कांस्टेंट टर्म राइट में है वो कितनी है, a इंटू माइनस अल्फा बीटा गामा। कितनी है, a इंटू माइनस अल्फा बीटा गामा, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यार मैंने कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए और यहां से देखिए कितनी मस्त बात निकल के आई है, कितनी चुलबुली बात निकल के आई है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है ना, यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू कितनी आई, माइनस बी बाय ए आई। क्या आई, माइनस बी बाय ए। और यहां से देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाय ए आई है। कितनी आई है, सी बाय ए। और यहां से देखिए यार अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आई है डी बाय माइनस ए, मतलब माइनस डी बाय ए, ठीक है। यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोले तो सम ऑफ रूट्स आ गया है। क्या आ गया है, सम ऑफ रूट्स। और यहां पे देखिए यार ये भी सम लिखा हुआ है, लेकिन दो दो करके लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं दो दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन और फिर उनका सम। तो इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक दफे दो दो लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनको जोड़ दिया, उसका आंसर आया सी बाय ए, ठीक है। और यार ये जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आया है, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पे कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, यहां पे बात हो रही है क्यूबिक की, कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन और उसके रूट्स में रिलेशन आ चुके हैं, तीन रिलेशन आ चुके हैं। नोटिस कर लो यार इन तीन रिलेशंस को, और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि बात अगर क्यूबिक इक्वेशन की कर रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए। देखो माइनस बी बाय ए और सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम सी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाय ए होता है। यहां पे एक और चीज नोटिस करने वाली है कि माइनस प्लस के जो निशान है ऑल्टरनेट चलते हैं, यहां माइनस फिर प्लस फिर माइनस, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं। तो यार आपको देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन आपके सामने लिखा है, डिराइव करके दिखा दिया है मैंने, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिश्ता होता है बता दिया। नेक्स्ट टाइम पे डिग्री 4 और हायर डिग्रीज की पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो बताने वाला हूं। तो यार अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको भन्नाटली समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, आप मुझे बताते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। आज के इस खूबसूरत सेशन में इतना ही, सेशन प्लान लेकर के जल्दी ही मैं आपके बीच में हाजिर हो रहा हूं। मैंने बता दिया था कि मंडे को वीडियो आने वाली जिसमें कोर्स
कब तक कंप्लीट होगा, कैसे कैसे मैं चैप्टर्स करवाऊंगा, किस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस प्रकार की ढेर सारी बातें आप लोगों से करनी है, ठीक है, मंडे को करेंगे वो। तो यार आज की क्लास में इतना ही, हंसते हुए शुरू की थी, हंसते हुए ख़त्म करनी है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हंसना हंसाना ना भूलें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।